आप लोगों के लिए सरप्राइज है, पहले हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, बस आप लोग देखते रहना। ज्यादातर कमरों में पत्थर लग चुका है, बस दो तीन कमरे और रह गए। मेरे लाडो की एक आखिरी निशानी पड़ी है, टूटी फूटी, इसको ठीक कराएंगे, ठीक है बच्चे? मैं तो मर गई हूँ ना, तो ये मेरी आखिरी निशानी है। खाद और मिट्टी थे, सारी बोतलें भर दी है, अब इसमें फुलवारी वगैरह लगा देती हूँ मैं। और यहाँ पे हमें लड़ाई होते हुए मिली है टोटल, क्योंकि लोग किसी का कोई दुख नहीं समझता, हमेशा फुसक हंसी अड़ते हैं, तो अपना दुख अपने पास रखो, अपने तक सीमित रखो बस। ये कौन को मोबाइल के पीजो? पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, सुबह से काम बिगड़ी आ रहा है, कुछ न कुछ बुराई हो रहा है आज, पता नहीं फ्रेंड क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, आज अगर अच्छे होंगे, स्वागत है हमारी एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम आ चुके हैं अलीगढ़, सुबह 7:30 बज रहे हैं, ये हम दूसरे दिन ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हम आए थे ना, उस दिन मैं और मेरी नूतन ना बहुत ज्यादा थक गए थे, तो अभी वो फ्रेश होने के लिए गई है, अभी बात ही होगी उससे, भी मिलाता हूँ आप लोगों को। हो गया ठीक है फिर भाई, अब हमारी इसको जरूरत नहीं है। तुम्हें पता कल परसों तुम्हारे के पलंग पे जनरेटर चोरी है, बंद घर में थे, ऐसे आए 3:30 करीब। ये देखिए घर का बना हुआ, काजल है नानी बना के गई थी हमारी, मैं भी लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा, मेरा गरम गद्दना बहुत ज्यादा नहीं लगाओ मैंने। ये देखिए मेरा गरम पानी आ गया है, आज मेरे पैर की अच्छी से सिकाई हो पाएगी। कोई दिक्कत नहीं, गरम पानी डलवा, सिकाई में फायदा मिलेगा। हर दिन पैर की सिकाई मैं करता था, आज इनकी मम्मी कर रही है अच्छे से, देखना पैर में ना काफी जल्दी फायदा पड़ेगा। अब अभी पैर वैर की सिकाई मैंने कर ली है, और मम्मी ने जो सिकाई करी उससे बहुत फायदा, क्योंकि वहाँ की जो फिटकरी वगैरह थी सारी लोकल थी, एकदम व्हाइट कलर रहता था, और अभी देखो फिटकरी पानी का कलर चेंज हो गया। मैंने धूप से बचने के लिए कपड़ा बांध लिया सर पे, अभी चलते हैं बाहर सामान वामान देखने, जो भी हम लोग अपना सेटअप बनाने वाले हैं उसके लिए मुझे सामान देखना है, और आप लोगों के लिए सरप्राइज है, पहले हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, बस आप लोग देखते रहना, बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी, और सारा कुछ हमें अपनी मेहनत से ही करना है, अपने हाथों से ही बनाना है, जितना भी बनाना है घर, ठीक है। तो अभी चलते हैं मार्केट में, चलते हैं सामान पूछते हैं कि हमारे अलीगढ़ के अंदर वो सामान अवेलेबल है या नहीं, बहुत मुश्किल ही मिलेगा, बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, फिर भी एक बार जाके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हम लोग मार्केट आ चुके, लेकिन जो चीज हमें चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं मिली, अभी चलते नर्सरी की तरफ, वहीं से अपना देखने को जुगाड़। फ्रेंड अभी आ गए हम नर्सरी के पास, यहाँ से पौधे खरीदेंगे, यहाँ से कुछ पौधे वगैरह खरीदते हैं फ्रेंड, अच्छे अच्छे से। पौधे पे भी इतनी महंगाई है बताओ, नॉर्मल पौधा 40-50 रुपए से स्टार्टिंग है, और जितना अच्छा लोगे उतनी ज्यादा महंगा होगा, अब बताओ आदमी पौधे लगाए तो लगाए कैसे, ये पेड़ पौधों पर भी इतनी महंगाई कर रखी है। सही लगा लोगे पैसे? हाँ, जब आपको ले लो हो जाए। फ्रेंड अभी चलते घर की तरफ, अंकल से बात कर लिया है, पौधे सस्ते में लगा देंगे, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे यहाँ से खरीदने हैं, पेड़ वगैरह भी खरीदने, पेड़ भी लगाओ यार, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो चलो चलते, वैसे गमले वमले का इंतजाम कर लेते पहले, ठीक है। फ्रेंड अभी हम लोग मार्केट से आ चुके हैं, और जो भी सामान का ऑर्डर देने गए थे वो हमने दे दिया है, मिस्त्री शाम को आएगा, वो अपना काम करता रहेगा जब करेगा, और अभी देखिए हम लोगों ने ये बोतल का कवाड़ इकट्ठा कर लिया है, और इसके हम बहुत ही सुंदर पॉट्स बनाने वाले हैं, फ्लावर पॉट, गमले वगैरह, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और उतना ज्यादा पैसा है नहीं, तो हम लोग अपना खुद की मेहनत करेंगे, और जितना हमारे पास थोड़े बहुत दमा पूजिए पैसे है उसको भी लगाएंगे। तो मेरे पास ये कुछ इस टाइप की बोतल है, और ये कटती है, जो कि मेरे घर पे ही मुझे आसानी से मिल गई, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। चलो चलते हैं और इसके कुछ गमले वगैरह बना लेते हैं फुलवारी के लिए, ठीक है। फ्रेंड मैं अपने बोतलों की कटिंग कर रही हूँ, और 100 रुपए इसमें होल करने वाले हैं गैस की सहायता से, तो मैं अपना कर लेती हूँ और ये अपना अलग करेंगे, ठीक है। हमने ना कुछ बोतलों में सुराख कर लिए हैं, अभी चलते अपनी लोकेशन की तरफ, और रास्ते में हमें कुछ पौधे लेने हैं, पौधों के साथ ना हम कुछ गमले लेंगे लटकाने के लिए, ये बोतल है ये भी लटकाने के लिए है। बैठा रहूं? नहीं चलन गया, चलन देगा थोड़ा बहुत। ओ, अब मेरी जरूरत कहाँ है तुझे? हम लोग आ चुके हैं मकान पे दोस्तों, अंदर दिखाते हैं आप लोगों को कितना बन गया, कहाँ तक बन गया, पत्थर वत्थर लगा या नहीं, ये कमरे तो ऐसे ही, यहाँ तो कहीं पत्थर लगा नहीं है, अंदर देखती हूँ कितना लग गया, एक तो चलने की जगह है नहीं बिल्कुल भी। मैं गोबर देख रहा हूँ, ठीक है।
ये देखिए गाइस, पत्थर लग चुका है लेकिन अभी गंदा पड़ा सारा कुछ ऐसे कैसे। ज्यादातर कमरों में पत्थर लग चुका है, बस दो तीन कमरे और रह गए, उसके बाद इनका घर सही तक कंप्लीट हो जाएगा। और इनका घर कंप्लीट होता रहेगा, हम लोग तो अपना ऊपर बना रहे हैं। तो ये 5 पौधे ले आए अभी। अभी ज्यादा हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, मिस्त्री को भी बोला था आज आने के लिए, तो वो बोला था शाम को आऊंगा, अभी शाम को कॉल किया तो बोला सुबह को आऊंगा। मिस्त्री लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यार, अभी हम लोग जब जितना हमसे होगा अभी हम कर ले रहे हैं, उसके बाद मिस्त्री आएगा वो अपने करता रहेगा। सबसे बड़ी बात, आज 5 जून है, पौधा रोपण का ही दिन है, आज के दिन पौधा लगाए जाते ज्यादा से ज्यादा, दिवस मनाया जाता है, आप लोग मालूम होगा। चलती हूँ ऊपर छत पे, आप लोगों को अपनी लोकेशन दिखाती हूँ जहाँ पे हम लोग अपना सेटअप वगैरह बनाने वाले हैं। ये देखिए मैं इतनी जल्दी गई, सीढ़ियां भी चढ़ने लगी, अब मुझे नहीं पता कच्ची हड्डी पे सीढ़ियां वगैरह चलना चढ़ना ठीक है या गलत है। जब भगवान ने पैर तोड़ा भी है तो सही भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, नियति कभी किसी के साथ भेद नहीं करती, जब उसने लिया है तो देगी भी। यहाँ पे मस्त सेटअप बनने वाला, स्कूल टाइम की साइकिल है, जब मैं स्कूल जाती थी 5-6 साल पहले, ऐसी पड़ी है। फ्रेंड मैंने मिट्टी लाके रख दी है, अब नूतन गोबर को और मिट्टी को मिला के खाद बनाएगी, और प्यास ना बहुत ज्यादा लग रही है, मैं पानी लेने के जा रहा हूँ नीचे से। यहाँ लाइट वगैरह तो फ्रेंड है नहीं बिल्कुल भी, अब मुझे जनरेटर चलाना पड़ेगा, लेके आ रहा हूँ जब तक तू इसे फोड़, ठीक है ओके। मेरे लाडो की एक आखिरी निशानी पड़ी है, टूटी फूटी, इसको ठीक कराएंगे ठीक है बच्चे। मैं तो मर गई हूँ ना, तो ये मेरी आखिरी निशानी है ना, और का है तेरी पुरानी चीज ये बता। फ्रेंड अभी चलते हैं नीचे, अरे डोलची ऊपर है का देखियो, यहाँ पे ना है फ्रेंड, लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, मैं तुम्हें जनरेटर चला के ठंडा ठंडा पानी निकाल देता हूँ जल्दी से। फ्रेंड जनरेटर मैंने चालू कर दिया, अब ये चल रहा है डीजल से, ज्यादा डीजल ना फूके इसलिए मैं जल्दी से पानी भर के समर इसको जनरेटर को बंद कर दे रहा हूँ। फ्रेंड पानी ना काफी ज्यादा ठंडा है, बहुत कम समर चलती है, फिर भी अब मैं ऊपर ले जाता हूँ नूतन के लिए, क्योंकि बहुत प्यासी है वो। फ्रेंड पीने लायक पानी ले लिया मैंने दोनों के लिए, अब चलते ऊपर नूतन के पास, अब इस जनरेटर को भी बंद कर दे रहा हूँ मैं। फ्रेंड पूरा रोकना पड़ता है, उसके बाद ही बंद होता है। ये चोर ताला लगवाया है, 2-3 ताले टूट गए उसके बाद ही लगवाया है, इससे थोड़ी राहत है, फिर भी इसमें हथौड़े बतौड़े दिन क्या क्या मारे जाते हैं यहाँ पे आके बताओ यार। मेरे बेटे मेरे बच्चे, अब आप मेहनती बन रहे हो, ठंडा है गर्म है, ठंडा है, चला के लेके आऊँ काफी, पिला दे जल्दी मम्मा यार, पीले बच्चे। फ्रेंड लगभग मैंने खाद और मिट्टी थे सारी बोतलें भर दी हैं, अब इसमें फुलवारी वगैरह लगा देती हूँ मैं अपने अच्छे से। ये 15 दिन बाद इसका जो रंग रूप है आप लोग देखना चौंक जाओगे, वो वाला एकदम सीन लगेगा। हम दोनों लोग बाकी का बचा हुआ जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पर चोर आना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने फुलवारी लगा दी है और बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ये देख सकते हैं दिन में हम लोग आए थे, अभी रात हो गई, और कुछ इस तरीके से हम लोग फुलवारी लगाए हैं, और यार आप लोग देखना कुछ ही दिनों बाद ये इतना सुंदर लगने लगेगा, बोतल बहुत ही ज्यादा, इसमें रंग बिरंगे हर तरह के फूल खिलने लगेंगे। फिलहाल रात हो गई, अभी चलते हैं, क्योंकि हर डेली हमें बहुत सारा काम है, डेली कुछ ना कुछ नया करना है। अभी तुम ना इसमें पानी लगा दो ठीक है। पौधे लगा तो दिए, अब इनको बच्चों की तरह सींचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी इनकी। बिजली फीटर है, और कितना अच्छा नजारा लग रहा है यहाँ पर रात में। जल्दी से हम लोग अपने हाथ मुंह धो लेते हैं और चलते निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, देखते हैं घर पर क्या सीन हो रहा है। दोस्तों अभी चलते हैं घर की तरफ, काफी समय हो गया, घर से भी कॉल आ रहा है कि आप वहाँ से आ जाओ। पौधे हमने थोड़े बहुत लगा दिए हैं, डेली डेली थोड़े थोड़े लगाएंगे तो पौधे कम्प्लीट हो जाएंगे। पौधे हम लोग जल्दी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब तक हम लोग बनवाएंगे उसको, पौधे बड़े बड़े हो जाएं।
और इनमें फूल वगैरह आने लग जाए ताकि सब कुछ सुंदर लगने लगे, बढ़िया लगे। मिट्टी वगैरह हम लोग ऐसी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कल काम आएगी। चप्पल कहाँ है मेरी? आराम से चलिए बाबू। हैं डर सा लग रहा है कहीं ताला कल टूटा हुआ ना मिले, क्योंकि हम लोग इतनी रात पे यहाँ से जा रहे हैं। चोरों की वजह से फ्रेंड ये अंदर का ताला लगवाया है ताकि तोड़ ना पाए, ये वाला तो दो मिनट में तोड़ देते हैं। गाइस अभी चलते हैं घर की तरफ और घर जाके आप लोगों से मिलते हैं। बादल गरज रहा है, परमात्मा यार बरसा दे पानी, जल जंगल इंसान जानवर सब परेशान है इस गर्मी से। फ्रेंड हम लोग तो प्लॉट से आ रहे हैं आप लोगों के सामने और यहाँ पे हमें लड़ाई होती हुई मिली है। होटल पे चला जा, ठीक है? कॉल वॉल कर ली है? लड़ाई वगैरह मैंने ज्यादा नहीं दिखाई, बहुत कम ही सीन दिखाया क्योंकि YouTube भी एक्शन ले लेगा इस पे और घर की बात है बाहर दिखाना अच्छा नहीं लगता। लड़ाइयाँ बहुत होती है, बहुत प्रॉब्लम चलती है घर में, लेकिन हम लोग कम से कम ही शेयर करते हैं क्योंकि लोग किसी का कोई दुख नहीं समझता, हमेशा फुसक हंसी अड़ते हैं। तो अपना दुख अपने पास रखो, अपने तक सीमित रखो, बस ये बता सकती हूँ किस बात पर लड़ाई हुई है। सौरभ को मैंने भेज दिया होटल पे क्योंकि पापा जा चुके हैं घर छोड़ के पता नहीं कहाँ। प्लॉट पे बारिश को याद करी रही थी और बारिश हाजिर हो गई। ये कौन को मोबाइल के पीजो? बारिश के साथ साथ तेज चक्रवाती तूफान है, गली में बहुत सारे पेड़ टूट के गिर गए यार। कहाँ पे? कहाँ पे काटा हूँ? हराम कर काका है रो, ये काट गए हराम कर, इतने ऊपर गिरो छत्ता पूरा खारा पीरो पर रो, बता कितने भयानक है, अगर कहीं पर चिपट गए तो मात डारेंगे ये कही है। पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, सुबह से काम बिगड़ी आ रहा है, कुछ ना कुछ बुराई हो रहा है आज। पता नहीं फ्रेंड क्या हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। इतनी तेज लड़ाई हो गई थी घर में, बस पूछो मत, छोटी छोटी बातों पे इतनी तेज लड़ाई हो गई। फ्रेंड अब मैं थोड़ा बाहर की तरफ आ गई हूँ घर से, पता नहीं क्या हो रहा है यार। पता है इतना मारा मेरे भाई को पापा ने, इतना मारा है कि उसकी जो पूरी नसें है ना वो फूल गई, पैरों की जो नसें हैं पूरी फूल गई। पता है कितनी बात पर लड़ाई हुई थी, वो जो नया घर बनना है ना उसके पीछे लड़ाई हुई थी। मेरा जो भाई है मुझसे छोटा, उसने पापा को बिना बताए सोफे वगैरह मतलब ऑर्डर दे दिया था बनाने के लिए, सोफा होते है ना, और पापा को अभी पता चला, वो घर पे आया पैसे वैसे लेने के लिए और पापा को पता चला, बस उसी बात पे मारा खुद। सारी बातों को यही खत्म करती हूँ और इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज देने वाली हूँ, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बस मम्मी का घर बन जाए और मैं अपना कुछ बना पाऊँ। और कुछ लोग हैं कि मतलब कॉपी कर रहे हो, भाई अपना देख लो, मैं कोई किसी की कॉपी नहीं कर रही, मैं तो बस अपना दिमाग यूज किया है और मेहनत कर रही हूँ। ख्याल रखना आप लोग, बाय।